हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट। प्रतापगढ़ सदर ब्लॉक के बिहारगंज में चाइल्ड लाइन 1098, तरुण चेतना, श्रम विभाग एवं चाइल्ड फंड इंडिया के तत्वावधान में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम सबको बनना होगा जिम्मेदार, ताकि कोई ना हो बाल मजदूरी का शिकार। बाल श्रम विरोधी रैली व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बाल श्रम एक सभ्य समाज के लिए कलंक है, ये बाल अधिकारों सहित मानवाधिकार का भी हनन है। बच्चे हमारे देश के भविष्य है, जिसके लिए हम सबको मिलकर बाल श्रम के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी होगी। इस क्रम में चाइल्ड लाइन के सिटी कोऑर्डिनेटर अर्पित श्रीवास्तव ने प्रबुद्ध लोगों से अपील की कि हम सबको मिलकर बाल श्रम जैसी अमानवीय समस्या को जड़ से खत्म करने का संकल्प लें। हर साल दुनिया भर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, अपने नाजुक कंधों पर बोझ ढोकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हेड कांस्टेबल जितेंद्र ससोदिया ने भी सभी लोग बाल श्रम में लिप्त बच्चों की पहचान कर उनके पुनर्वास के लिए आगे आए, और यदि 14 वर्ष के कम उम्र का कोई भी बच्चा बाल मजदूरी करते नजर आए तो इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन के 24/7 टोल फ्री नंबर 1098 पर दें, जिससे बाल अधिकारों का हनन हो सके, जिससे बाल अधिकारों का हनन रोका जा सके। इसी क्रम में चाइल्ड फंड इंडिया के फील्ड कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि बाल श्रम के कारण व बाल श्रम से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए लोगों को बाल मजदूरी की समाप्ति का संकल्प दिलाया। इसी क्रम में बच्चों द्वारा गांव में रैली निकालकर बाल श्रम के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का संचालन हाकिम अंसारी ने किया। इस अवसर पर अजहर अंसारी, हिमांशु, अभय मेहताब सहित बच्चों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।